बीकानेर में डेढ़ माह पूर्व खोदी गई सड़क नहीं बनने से स्थानीय लोग व स्कूल जाने वाले बच्चों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि पुष्करणा स्कूल रघुनाथ सर कुआं स्थित रोड निर्माण करने के लिए ठेकेदार द्वारा डेढ़ माह पूर्व सड़क खोदी गई थी, लेकिन आज तक नहीं बनी। ऐसे में वहाँ के निवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गली में गंदगी का ढेर लग चुका है। निवासियों ने बताया कि क्षेत्र में स्कूल व मंदिर होने के कारण बच्चों व बुजुर्गों का आवागमन ज्यादा होता है, लेकिन सड़क की हालत इस कदर खराब है कि वाहन का चलना तो दूर पैदल चलना भी मुश्किल है। इस परेशानी को लेकर संबंधित ठेकेदार को अवगत कराया गया, लेकिन ठेकेदार का कहना है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। संवेदक ने ठेकेदार ने ये सड़क खोद के छोड़ दी है। आने वाले राहगीरों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल और कॉलेज होने के कारण यहाँ बच्चों का आवागमन ज़्यादा रहता है। मंदिर पास में बूढ़ी औरतें बूढ़े आदमी यहाँ आते जाते हैं, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। बहुत ये जब ठेकेदार को कहते हैं तो वो कहता है RTO लगा लो चाहे शिकायत कर दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब उनको क्या कहें समझ नहीं आ रहा है। निगम के अधिकारी वो आते हैं और वो इनके साथ मिली भक्ति है, क्योंकि उनके परसेंटेज कमीशन बंधे हुए हैं। संवेदक का कोई भी ध्यान नहीं रख रहे हैं, मसाला लगा रहे हैं। जैसे यहाँ कोई शमशान पड़ा है। कौन सा एरिया है आपका? ये पुष्करणा स्कूल रुगनासर कुआ नया शहर। तो आपने कभी शिकायत की कि कलेक्टर से काम नहीं हो रहा है? कलेक्टर साहब से बात कर ली, कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया कल मेरे को कि आदमी आ जाएंगे, तो आज वो मजदूर आए हैं सफाई करने के लिए, लेकिन काम की कोई प्रगति नहीं है। हमें बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि सारी कब से ऐसे पिछले 1.5 महीने से यही प्रॉब्लम आ रही है। नाम बता दो। गोपाल किरडू नाम है मेरा सर।